ये तो आवाज़ अरशे मौला को याद देने वाली आवाज़ है। मुझे तो दुख हो रहा है कि ये इमरान खान साहब ख़ुद इसको क्यों नहीं सुन रहे और इसको एड्रेस क्यों नहीं कर रहे। इनको इस माँ के पास जाना चाहिए। ये ठीक है कि ये तफ्तीश हो रही है, तफ्तीश हो रही है, लेकिन माँ तो माँ है ना जी। माँ का दुख जो है वो कैसे कम हो सकता है। वो कहती है मुझे रोटी नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए कि ये जो है वो मेरे बेटे के नाम के साथ तो जो दहशतगर्द का लफ्ज़ लग गया उसको उतार दें। तो वो तड़प रही है, एक ही बात की जा रही है, ये हर जगह पे यही बात कर रही है। वो शरीफ औरत है, उसने मेहनत मजदूरी करके उन बच्चों को पाला था और उसको दहशतगर्द बनाने की कोशिश की जा रही है, और दहशतगर्द भी मारने के बाद साबित करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि वो पहले दहशतगर्द नहीं था, उसका टेलीफोन पकड़ के उसमें से कोई नंबर निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये गाड़ी जो थी वो दहशतगर्दों के इस्तेमाल में रही। हालांकि वो मुझे पता चला है वो तीसरे हाथ ट्रांसफ़र हुई है, और कोई दहशतगर्द ऐसा नहीं होता। मैं अनीक, मैं एक फौजदारी वकील हूँ, कोई दहशतगर्द, कोई छोटा सा मुजरम भी अपने नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं कराएगा जो किसी जाए वकूआ में इस्तेमाल हुई हो। ये कैसा दहशतगर्द था जिसने अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा ली गाड़ी? तो मेरे ख्याल में इसको एड्रेस करना चाहिए, अदरवाइज ये चीखो पुकार जो है ये हुकूमत के लिए अजाब का बायस बनेगी।